जबलपुर के बलदेव बाग में रहने वाली दो बहनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 10,000 फीट लंबा तोरण बनाया है। इस तोरण को जल्द ही जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि देश का ये सबसे लंबा तोरण है, जिसे जबलपुर की दो बहनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया है। जिस समय वैष्णो देवी मंदिर में तोरण लगाया जाएगा, उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम मौजूद रहेगी। जबलपुर की खुशबू और ऋचा की टीम को यह तोरण बनाने में 10 दिन का समय लगा। कल सुबह इसकी शोभा यात्रा 10 बजे से निकल जाएगी कोतवाली मनक रद्दी वालों के यहाँ से, और ये हमारी शोभा यात्रा में 2,000 लोग इसको पकड़ने के लिए हर हाल में चाहिए है, क्योंकि इसको 5-5 फीट की दूरी में लोगों को पकड़ना है, नहीं तो ये लटक जाएगी और हमें इसको ज़मीन पे नहीं रखना। और हमारी कोशिश है कि हम गाड़ी से इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन हमको अनुमति देगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे। जितनी निकालते जाएंगे, जितनी भीड़ होती जाएगी वो पकड़ती जाएगी, और हम सबसे अनुमति कर रहे हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और इसको और सुशोभित करें। सारे जबलपुर, जितने जबलपुर के समाज, अग्रवाल समाज और सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है, सब नेताओं को, सबको आमंत्रित किया गया कि कल सब शामिल हों और इसको और सुंदर सब बनाए हमारी शोभा यात्रा। मेरा नाम ऋचा अग्रवाल बनाते हुए, एंड ये 10,000 फीट का तोरण हम लोग ने बनाया है। वैसे मेरा मतलब हम लोग दिवाली में जो तोरण लगते हैं हर घरों में, तो इस बार ऐसा सोचा कि वैष्णो देवी मंदिर में तोरण लगाने का मन हुआ। तो वो वहाँ की ऊंचाई वैसे तो बहुत लंबी है, 14 किलोमीटर है, तो जितनी हमारी क्षमता थी तो हमने 10,000 फिट यानी 3 किलोमीटर लंबाई की कोशिश करी कि एटलीस्ट हम लोग उतना कवर कर सकें। तो 10,000 फीट का तोरण है, 1 फिट चौड़ाई है उस तोरण की, एंड एग्जैक्ट मिनिमम 12-15 कुंटल है ये मिनिमम इसका वेट है, एंड इसकी मजबूती को भी पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा हम लोग अपना प्रयास ये भी कर रहे हैं कि हमारा ये गिनीज में भी इसका शामिल हो, हमको इसका मतलब कोशिश हमारी पूरी है कि वो लोग हमको इसकी अप्रिशिएट करें, तो वो भी हम लोग पूरी कोशिश, और इसकी मजबूती, इसकी सुंदरता, हमसे जो बेस्ट हो सका। कल सुबह निकलेगी इसकी शोभा यात्रा, 9 बजे के करीब निकालेंगे इसको। स्टार्टिंग वैसे तो हमने 10 बजे इन्वाइट किया है, लेकिन उसको निकालने में ही और उसका मैनेजमेंट में ही तो 9 बजे से करीब हम लोग उसको निकालना चाह रहे हैं। कोतवाली से निकालेंगे और अपना सिविक सेंटर तक, जबलपुर क्लब तक जाएंगे। इसको बनाने में 25 लोगों ने हम लोग की टीम रही है, जिनमें मैम जो गिनीज और वर्ल्ड के लिए जो आपने अप्रूवल आया है, हाँ जी, उसका फीस जमा हो गया? उसका फीस भी लगता है जी? हाँ जी, फीस लगती है $1,000, 60,000 रुपये, 82,000। खुशबू अग्रवाल, थैंक यू मैम। कम समय में अपनी मेहनत से इस तोरण को तैयार किया, ये इनके लिए आस्था और श्रद्धा का विषय है, किंतु ये हमारे लिए, हमारी शहर की जनता के लिए और संस्कार ढाने के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। यह हमारी समाज के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है कि समाज की इन दो बेटियों ने, शहर की इन दो बेटियों ने इस तोरण को तैयार करा, और अगर कहीं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर शामिल होता है तो हमारी संस्कार ढाने के लिए, शहर के लिए, शहर के जनप्रतिनिधियों के लिए अत्यंत गौरव की बात होगी। इस गौरवान्वित क्षणों के लिए हम शहर की जनता से अपील करते हैं, संस्कार दानी की जनता से, सारी धार्मिक संस्थाओं से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हों और इसको भव्यता प्रदान करें और कम से कम इस आस्था में अपनी सहभागी बने। इसको कोतवाली के बाजार से हमारी निवास स्थान से प्रारंभ होगी, जो सरापा, हनुमान, बड़ा फारा, मालवी चौक, अंजुमन स्कूल, चौपाटी होते हुए जबलपुर क्लब में यह शोभा यात्रा समाप्त होगी, और उसके बाद यह पैकिंग करके 10 तारीख को रेलवे के द्वारा ये रवाना होगी। 11 तारीख के सारे बच्चे लोग भी रवाना होंगे। 13 तारीख के लोग जम्मू में इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की टीम कटरा में, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम आएगी वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति में सारी चीज़ों का परीक्षण होकर संभवतः गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होगी। उसके बाद ये ऊपर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और मंदिर में मैया के चरणों में अर्पित करके वहाँ पर मंदिर के आसपास पूरे में बांधा जाएगा ये तोरण, जो दिवाली में मैया